नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हैदराबाद में सीडब्ल्यूसी की दो दिवसीय बैठक हो रही है। सोनिया गांधी, प्रियंका और राहुल गांधी हैदराबाद पहुंचे। पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर मंथन होगा। बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव पर भी चर्चा होगी। तो सीधे तस्वीरें ये देख रहे हैं, ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण, और सोनिया गांधी पहुंच चुकी हैं, उनका स्वागत भी किया गया। ये बैठक 2024 लोकसभा चुनाव पर भी चर्चा हो सकती है, रणनीति बनेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, पांच राज्यों में चुनाव होना है, इसे लेकर खास यहां पर रणनीति बननी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, बैठक हैदराबाद में हो रही है क्योंकि तेलंगाना में भी चुनाव होना है। इसके मद्देनजर एक मैसेज देने की भी कोशिश, और तस्वीरें आप देख सकते हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी पहुंचे हैं इस बैठक में। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैठक में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। सीधे तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, तो दक्षिण से लेकर उत्तर भारत हर जगह कांग्रेस एक नई रणनीति के तहत यहां पर चर्चा करेगी। और इस चर्चा के तहत हो सकता है कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जा सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और सीधे तस्वीरें हम आपको हैदराबाद से दिखा रहे हैं। हैदराबाद में अब कुछ ही दिन में ये बैठक होने वाली है, तमाम नेता पहुंच चुके हैं, और ये बैठक हर मद्देनजर से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ साथ 2024, क्योंकि देखिए, इस बार 2024 लोकसभा चुनाव हर लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण, और इंडिया गठबंधन हुआ है, कांग्रेस इंडिया गठबंधन का हिस्सा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा के तहत जो एक कन्वे मैसेज किया गया आम जनता के बीच, और उसका साफ तौर पर कहा गया है, देखिए, यात्रा खत्म नहीं हुई है। राहुल गांधी भी पहुंचे हैं, और आज की बैठक से एक रणनीति तय की जाएगी, और हो सकता है कुछ अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं इस बैठक के जरिए। सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहां कार्यकर्ताओं में भी उत्साह बरकरार है। सोनिया गांधी पहुंची हैं, राहुल गांधी भी इस बैठक में पहुंचे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे हैं, और ये बैठक बस अब कुछ ही देर में शुरू होने वाला है, सीडब्ल्यूसी की बैठक। और ये बैठक हर लिहाज से महत्वपूर्ण, क्योंकि हैदराबाद में ये बैठक हो रही है। तो हैदराबाद में कुछ ही देर में सीडब्ल्यूसी की बैठक बस होने वाली है, और इसी को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा से बात की न्यूज 24 संवाददाता संजीव त्रिवेदी ने।